is now ready for departure from platform number 1. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बलहरशाह मुंबई नई ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि पिछले 2.5 साल से बलहरशाह से मुंबई यात्री गाड़ी का क्षेत्र की जनता काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है। मुंबई जाने के लिए उनको नागपुर तक जाना होता था और नागपुर से वो मुंबई की ट्रेन पकड़ते थे। वह समस्या अब दूर हो गई है। रेलवे प्रशासन की घोषणा के अनुसार बलहरशाह से मुंबई के लिए नई ट्रेन 8 अप्रैल से बलहरशाह रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। हालांकि ये ट्रेन सीधे मुंबई नहीं जाएगी, बल्कि ये ट्रेन वाया आदिलाबाद, नांदेड़ और औरंगाबाद होते हुए मुंबई की ओर जाएगी। बलहरशाह मुंबई रेलवे के संबंध में क्षेत्र के नेता नौवे अनुमान लगा रहे थे और समय समय पर घोषणाएं कर रहे थे। उनकी घोषणाएं झूठी निकली। 8 अप्रैल से शुरू होने वाली बलहरशाह मुंबई एक्सप्रेस ये वाया औरंगाबाद होके जाएगी। आपको बताते चले कि बलहरशाह मुंबई ट्रेन ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी। ये ट्रेन रविवार और मंगलवार को रात में 9:45 पर मुंबई से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:50 पर बलहरशाह रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। आपको बताते चले कि सीधे ट्रेन नहीं होने के कारण यात्रियों को असुविधा यह है कि ट्रेन सीधे वारदा जाने के बजाय आदिलाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद होते हुए जाएगी। लेकिन चंद्रपुर जिले के यात्रियों ने नाराजगी जताई है, वो घाटे में है। बलहरशाह मुंबई ट्रेन को लेकर रेलवे बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों ने मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की मांग की थी। इसके अलावा बलहरशाह में पिछले 3 साल से शुरू हुई पिट लाइन का काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। रेल प्रशासन ने ठेकेदार को 30 जून तक इसे पूरा करने की चेतावनी दी है। बताया गया है कि 30 जून तक जैसे ही पिट लाइन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद बलहरशाह मुंबई ट्रेन को सीधे शुरू किया जाएगा। रेल प्रशासन रेल यात्रियों की प्रतिक्रिया का भी आकलन करेगा, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि इस ट्रेन को सीधे बलहरशाह से मुंबई के लिए रवाना किया जाए या फिर इस ट्रेन को वाया आदिलाबाद होकर निकाला जाए। जैसे हमको यहाँ की और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।